नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशुल सिंह। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सीहोर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। खुले बोरवेल में मासूम सृष्टि का रेस्क्यू लगातार जारी है, जो बोरवेल में गिर गई। ऑपरेशन लगातार चल रहा है, कल से जेसीबी और पोकलेन की मदद से खुदाई की जा रही है। 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है मासूम सृष्टि। आपको बता दें, करीब 30 फीट पर मासूम सृष्टि फंसी हुई है। पथरीली जमीन आने से ड्रिल मशीन से गड्ढा खोदा जा रहा है। मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे बोरवेल में बच्ची गिरी थी। तो खेलते समय बोरवेल में गिर गई थी, जो कि बोरवेल खुला हुआ था। और आपको बता दें कि जिला प्रशासन फिलहाल मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू की टीम मौके पर मौजूद है। पोकलेन की मदद से खुदाई की जा रही है। और जानकारी दे दें कि करीब 30 फीट पर दरअसल ये मासूम बच्ची फंसी हुई है, जिसको निकालने का प्रयास लगातार जारी है। ये देखिए, ग्रामीण किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकल आए। जिला अधिकारी आशीष तिवारी की तरफ से क्या बयान आया है, वो आपको सुनवा देते हैं। अभी हम लोग रात भर इसमें हमने एक्सकवेशन किया है, लेकिन हार्ड स्ट्रेटा है लगातार, तो थोड़ा प्रगति स्लो है। और हम लोग अभी लगभग 26-27 फीट पे पहुंच पाए हैं, और लेकिन मशीनें लगातार लगी हैं, वर्किंग स्पेस बना रही हैं और काम चल रहा है। एनडीआरएफ टीम ने एक और कन्वेंशनल तरीका अपना रहे हैं। वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि हार्ड स्ट्रेटा की वजह से समय लग रहा है, यदि उसमें सफलता मिलती है तो हमें जल्दी ही हम लोग बच्चे को सकुशल निकाल पाएंगे। देखिए, चूंकि समय ज्यादा हो गया तो रिस्पॉन्ड तो बच्ची अभी ज्यादा नहीं कर रही है, लेकिन